ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पूजा या दर्शन करते समय पांच लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। वो कौन से पांच लोग हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और कई लोग अपने कर्मों और अपनी आदतों से नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कहा जाता है मंदिर जाते समय या भगवान के दर्शन बिल्कुल शांत मन से करना चाहिए। विचलित मन से की गई पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में श्री रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे पांच लोगों के बारे में बताया है जो नकारात्मक ऊर्जा देने वाले होते हैं और ऐसे लोगों से देव पूजा या आराधना के समय दूर ही रहना चाहिए। पहला, जो नास्तिक हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान और धर्म में आस्था नहीं रखते, जिन्हें ना तो धर्म ज्ञान से कोई मतलब होता है ना ही देव भक्ति से। ऐसा व्यक्ति धर्म और शास्त्रों में विश्वास ना होने की वजह से अधर्मी और पापी होते हैं। झूठ बोलना, बुरा व्यवहार करना आदि उनका स्वभाव बन जाता है। देव पूजा या दर्शन करते समय ऐसे व्यक्ति के आसपास होने पर हम भी अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ऐसे मनुष्य से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिर क्रोधी व्यक्ति। विवजन या अत्यधिक क्रोध करने वाले का व्यवहार दानव के समान माना जाता है। क्रोध करने से मनुष्य हमेशा ही अपना नुकसान करता है, कई बार निंदा और हास्य का पात्र भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन हर समय अशांत रहता है और उसके स्वभाव के समय वह नकारात्मक ऊर्जा देने वाला होता है। देव पूजा या दर्शन के समय ऐसे व्यक्ति के आसपास होने पर मनुष्य अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए पूजा हो या दर्शन, ये करते समय ऐसे व्यक्ति को दूर रखना चाहिए। फिर जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करें, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा या बुराई करता है ऐसा मनुष्य बुरे व्यवहार वाला होता है। दूसरों की निंदा करना मनुष्य व्यवहार का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ऐसे मनुष्य पूरे समय किसी न किसी की बुराई करता ही रहता है। ऐसे मनुष्य के आसपास होने पर पूरे वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और शांति भंग हो जाती है। इसलिए भगवान की पूजा या आरती करते समय ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई। फिर जो व्यक्ति लालची हो, जिस मनुष्य के मन में लालच होता है उसकी प्रवृत्ति चोर के समान ही होती है। ऐसा व्यक्ति पूरे समय दूसरों की वस्तु पाने के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती रखने या उसके कामों में मदद करने पर हमारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है और हम भी पाप के भागी माने जाते हैं। इसलिए देव आराधना के समय ऐसे मनुष्य कभी बात नहीं करनी चाहिए। फिर जलन की भावना रखने वाला। जो मनुष्य दूसरों के प्रति अपने मन में जलन की भावना रखता हो वह निश्चय ही छल कपट करने वाला, पापी, धोखा देने वाला होता है। ऐसे मनुष्य का मन हर समय अशांत ही रहता है। ऐसे व्यक्ति से बात करने पर या मिलने पर वो अपनी बातों और आदतों से हमारा मन भी अशांत कर देता है। अशांत मन से की गई पूजा का फल कभी नहीं मिलता है। इसलिए पूजा या दर्शन करते समय ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।